होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के आज के इस लेक्चर में यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो इस तरह से है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन यहाँ पर ये दोनों के बैलेंस शीट्स दिए हुए हैं एच और एस का और ये जो बैलेंस शीट है ये कंटेन कर रहा है डिटेल्स में एसेट्स में गुडविल है आज के प्रॉब्लम में एक सबसे मेन जो कंटेन है दोनों के बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल अपियरिंग है उसको तो कैसे ट्रीट करना ये मेनली आज का नया पॉइंट होगा उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है दोनों कंपनीज का प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है दोनों कंपनीज का फर्नीचर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर उसने ये जो नंबर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एच जो है वो होल्डिंग है एस जो है वो सब्सिडरी है कंपनी ऑलवेज होल्डिंग सेकेंड कंपनी ऑलवेज तो होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स में तीन हजार नंबर दिख रहे हैं सब्सिडरी का अगर शेयर कैपिटल देखते हैं तो का 4, 000, 000, 000 का है और एक शेयर जो है वो हंड्रेड पर वो बता रहा है तो अगर चार लाख रुपए का टोटल कैपिटल है और फुल्ली पेड है सौ तो रुपए का अगर एक शेयर है तरह से ये नंबर्स हैं तो टोटल चार हजार अगर नंबर है सब्सिडेरी में और होल्डिंग के पास अगर उसमें से थ्री थाउजेंड नंबर्स हैं एंड डेफिनेटली होल्डिंग जो है वो होल्डिंग है मीन्स एच लिमिटेड जो है वो होल्डिंग है मोर देन फिफ्टी परसेंट उसके पास शेयर्स हैं दो हज़ार के से ज़्यादा अगर शेयर्स होते हैं तो डेफिनेटली वो होल्डिंग हो जाती है तो यहाँ पर मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर्स एक्वायर्ड है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आज नंबर ऑफ शेयर्स की ये बैलेंस शीट से ही हमको अवेलेबल है तीन हजार नंबर उन्होंने चार लाख अस्सी हज़ार में परचेज किए हुए हैं कॉस्ट है फोर लैख एटी थाउजेंड रुपीज फिर स्टॉक दिया हुआ है दोनों का डेटर्स है और कैश एट बैंक है लाइब्रेरी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल है दोनों का फुल्ली पेड हंड्रेड रुपी पर उसने बताया है जनरल रिजर्व है टू लैख और वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है टू लैख एटी थाउजेंड और वन लैख एटी थाउजेंड का यहाँ पर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट के एग्जांपल्स में जैसे हमने देखा कि वहाँ पर वो डेट्स अवेलेबल होती थी डेट का है स्पेसिफाइड यहाँ पर ऐसी कोई डेट बेस इंफॉर्मेशन नहीं दी है डेफिनेटली आगे वो बताएगा इसके बाद रुपीज का और क्रेडिटर्स दिया हुआ वन लैख एटी थाउजेंड और वन लैख फोर्टी थाउजेंड तो इस तरह से ये बैलेंस शीट है बैलेंस शीट से सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का कैपिटल और सब्सिडरी के रिजर्व प्रॉफिट्स अकाउंट इज जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पोजिशन है टोटल प्रॉफिट जो है वो एक लाख बीस हज़ार जनरल रिजर्व में है सब्सिडरी का और प्रॉफिट एंड लॉस में वन लाख एटी थाउजेंड इस तरह से टोटल रिजर्व तीन लाख रुपए का है टोटल प्रॉफिट्स जो है वो थ्री लाख रुपीज़ आगे इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी तो प्रॉब्लम में आगे उसने बताया है यहाँ पर कि एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर इन एस लिमिटेड ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फोर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेट को हम अगर अपनी ईयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन से कंपेयर करते हैं तो हमारा जो कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड है जो ईयर है वो अगर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन पर एंड हो रहा है एंड दिस ईयर बिगिन ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो फर्स्ट अप्रैल 14 टू थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन है बट अगर उसने एक्वायर एक अक्टूबर 14 को किया हुआ है तो फर्स्ट अप्रैल 14 टू फर्स्ट अक्टूबर 14 ये जो पीरियड है ये हमारा कैपिटल पीरियड कहलाएगा और फर्स्ट अक्टूबर 14 टू थर्टी मार्च 15 ये जो पीरियड है ये रेवेन्यू पीरियड कहलाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन मेनली डिसाइड करती है कितना पीरियड कैपिटल कितना पीरियड रेवेन्यू ये मेनली एक चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी तो हाफ एग्जैक्ट हाफ जो है वो कैपिटल है पीरियड और एग्जैक्ट हाफ जो है वो रेवेन्यू है यहाँ पर हमको ये जो रिजर्व है जो प्रॉफिट्स हैं इस बेस पर डिवाइड करना पड़ेगा साल भर का अगर वो होगा ईयरली अगर होगा तो हाफ विल बी कैपिटल फ विल बी रेवेन्यू इस तरह से उसको डिवाइड करना पड़ेगा आगे प्रॉफिट रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर अब सेकंड जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें यहाँ पर उसने बताया है द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन अप्रैल अप्रैल तो को एट द ऑफ द ईयर उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था पर क्रेडिट डेबिट बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट फोर्टी थाउजेंड पहले भी क्रेडिट था अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है लाइब्रेरी साइड क्रेडिट बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर वो फोर्टी थाउजेंड था तो ये जो फोर्टी थाउजेंड है एक अप्रैल का है और एक अप्रैल जो है वो एक अक्टूबर से पहले की डेट है एक अक्टूबर और उसके पहले का जो भी होगा दैट विल बी ऑल कैपिटल तो ये जो फोर्टी थाउजेंड रुपीज है ये कैपिटल प्रॉफिट है डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट विल बी कैपिटल प्रॉफिट अब अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फोर्टी थाउजेंड था टोटल प्रॉफिट अगर वन लैख एटी थाउजेंड है तो वन एटी माइनस फोर्टी

एट्स वाई अब ये ईयरली प्रॉफिट को हाफ हाफ करना पड़ेगा एक अप्रैल एक अप्रैल 14 टू फर्स्ट अक्टूबर 14 ये वाला जो पीरियड है ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा आधा प्रॉफिट के एग्जैक्टली exactly हाफ है ईयरली प्रॉफिट अगर 140 है तो एग्जैक्टली हाफ विल बी 70,000 70,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल कहलाएगा और एक अक्टूबर 14 टू 31 मार्च 15 वाला ये जो प्रॉफिट है ये रेवेन्यू कहलाएगा तो ये 180 को डिवाइड करते वक्त 180 में से 40 तो कैपिटल हो गया और 70 जो है वो भी कैपिटल कहलाएगा रिमाइंडर जो सिर्फ 70 बचेगा दैट विल बी रेवेन्यू प्रॉफिट इस तरह से इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि दी हुई इन्फॉर्मेशन के बेस पर जनरल रिजर्व के बारे में भी यही बात है कि जनरल रिजर्व टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन थर्टी मार्च फिफ्टीन जनरल रिजर्व इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एक लाख बीस हजार का जनरल रिजर्व है उसमें तो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है कि एक अप्रैल को ऑन फर्स्ट अप्रैल फोर्टीन जनरल रिजर्व वाज एक लाख तो ये अप्रैल 14 पर अगर जनरल रिजर्व एक लाख था देन डेफिनेटली ये डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का है तो ये एक लाख पूरा पूरा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा अब अगर एक लाख बीस हजार में से एक लाख का कैपिटल तो रिमाइंडर जो है ट्वेंटी थाउजेंड ये ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर है ड्यूरिंग द ईयर है हम साल भर का ही मानेंगे हम उस ट्वेंटी को और उसको फिर टाइम रेशियो पर डिवाइड करेंगे तो एक अप्रैल फोर्टीन टू वन अक्टूबर फोर्टीन वाला विल बी हाफ विल बी ट्वेंटी और रिमाइंडर टेन थाउजेंड विल बी रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फोर्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन यहाँ पर यह प्रॉफिट का जो बाइफरकेशन उसने आज दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में वो बहुत अच्छा है ये प्रॉफिट बाइफर्केट कर टोटल कैपिटल टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे नो डाउट तीन लाख का टोटल प्रॉफिट डिवाइड करेंगे बट वो तीन लाख ,00 का टोटल प्रॉफिट डिवाइड कैसे करेंगे तो ये सबसे मेन चीज है ये फोर्टी तो डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का है ये कैपिटल हो ही जाएगा फिर ईयरली प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ये वन एटी में से फोर्टी जाने के बाद सेवेंटी को सेवेंटी विल बी कैपिटल एंड सेवेंटी विल बी रेवेन्यू तो इस तरह से वन फोर्टी हो जाएगा वो और फोर्टी विल बी वन एटी इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर भी एक लाख बीस हजार को भी डिवाइड इसी तरह से करेंगे वन लैक विल बी कैपिटल क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का है और ट्वेंटी थाउजेंड फॉर द ईयर वाला जो है उसको भी हाफ हाफ कर टाइम रेशियो पर डिवाइड करेंगे टेन थाउजेंड विल बी कैपिटल एंड टेन थाउजेंड विल बी रेवेन्यू इस तरह से टोटल तीन लाख का प्रॉफिट डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ये जो कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट हमको डिवाइड करना है ये डिवाइड करते वक्त हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल का ट्रीटमेंट होल्डिंग के लिए अलग है रेवेन्यू का ट्रीटमेंट होल्डिंग के लिए अलग है और होल्डिंग पर्पज होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है हम डिविजन करेंगे आगे यहाँ पर आज एक नई एडजस्टमेंट जो उसने दी हुई है स्टॉक के बारे में द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड

होल्डिंग का ही है और ये स्टॉक भी अगर होल्डिंग का है और एक अगर एट कॉस्ट और एक अगर एट प्रॉफिट दिख रहा है तो डेफिनेटली उसमें से जो प्रॉफिट वाला मार्जिन है वो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा ये कहलाता है अन प्रॉफिट इट विल बी टर्मड एज ए अन प्रॉफिट और इसमें होल्डिंग का जो शेयर होगा वो मेनली हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा ये प्रॉफिट को कैसे बाइफरकेट करना ये प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है ये बेस पर हम ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कैसे इसका कैलकुलेशन करना ये आगे मैं प्रॉब्लम में अभी डिस्कस करने ही वाला हूँ तो ये जो बैलेंस शीट था ये बैलेंस शीट के बेस पर यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉफिट का डिवीज़न कैसे करना उसके तो बाद एक्सप्लेन किया ये कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ये आज का एक मेन टॉपिक है और प्रॉफिट डिविजन बहुत अच्छा है तो हाफ़ ईयर विल बी कैपिटल हाफ ईयर विल बी रेवेन्यू उसके बेस पर डिवाइड करेंगे वर्किंग नोट्स हमारी रेगुलर वही है सबसे पहले वर्किंग नोट में हम जो कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशो पर होल्डिंग कंपनी जो है वो एच है सब्सिडरी जो है वो एस है टोटल कैपिटल चार लाख का है एक शेयर सौ रुपए का दिन चार हजार नंबर हो गए तरह से ये कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे तो एस लिमिटेड में जो एस लिमिटेड के चार हजार नंबर ऑफ शेयर्स है ये चार हजार नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपी हंड्रेड इच इस तरह से इसको डिवाइड करना है बिटवीन एच लिमिटेड एंड माइनॉरिटी ये डिविजन होगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एच के पास इसमें से तीन हज़ार नंबर्स हैं ये तीन हजार नंबर्स अगर इनके पास है तो रिमाइंडर विल बी थाउजेंड माइनॉरिटी के पास है एंड द रेशो विल बी थ्री टू वन ये रेशो है तो ये थ्री एस टू वन का रेशो है जिसके बेस पर हम इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशो कैलकुलेशन ऑफ रेशो जो है एच का होल्डिंग का थ्री है और माइनॉरिटी का वन है प्रॉफिट डिवीजन कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए मेनली ये रेशो यूज़ में आएगा अब यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट की वर्किंग्स हम बनाएंगे कैपिटल प्रॉफिट कैसे और क्या मैंने अभी यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली समझाया है जनरल रिजर्व का बैलेंस उसने यहाँ पर दिया हुआ है एक अप्रैल फोर्टीन का एक लाख रुपए का ये जनरल रिजर्व एक अप्रैल फोर्टीन का वन लाख यहाँ दिया हुआ ही है उसके बाद फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट ही है तो ये इसमें एड करेंगे ये फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ फिर मैंने टाइम बेस पर डिवाइड कर कर बताया कि जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में आधा कैपिटल जो रिमाइंडर बचा है बीस हजार और एक चालीस तो आधा विल बी कैपिटल एंड आधा विल बी रेवेन्यू तो यहाँ पर अभी कैलकुलेशन में मैं लिख ही रहा हूँ जनरल रिजर्व हाफ ईयर का आधा फर्स्ट अप्रैल फोर्टीन टू वन अक्टूबर फोरटीन का ये कैपिटल प्रॉफिट वेर एज ये प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम इसी पीरियड का हाफ़ सेवेंटी थाउजेंड विल भी कैपिटल प्रॉफिट तो टोटल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विल बी टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ में डेड बेस के बाईफन जो मैंने पहले ही क्लियर किए थे उसके बेस पर यह टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना बिटवीन एच लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इसको डिवाइड करेंगे तो टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू थ्री बाई फोर एंड टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन बाई फोर डिविजन हम करेंगे टोटल वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ विल बी होल्डिंग एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड विल बी ऑफ माइनॉरिटी ये डिवीजन मैंने किया आज का जो मेन कैलकुलेशन था ये कैपिटल प्रॉफिट को सही से कैलकुलेट करना उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट में भी कैलकुलेशन वैसा ही है जनरल रिजर्व फ्रॉम अक्टूबर थर्टी फर्स्ट मार्च अक्टूबर मार्च फिफ्टीन जनरल रिजर्व विल बी यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा दस हजार रुपये है ये उसके बाद सेम प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम वन अक्टूबर प्रॉफिट दैट इज फ्रॉम वन अक्टूबर फोर्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट भी इसी तरह से सेवेंटी थाउजेंड देन टोटल विल भी एटी थाउजेंड रुपीज ये प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट किया तो टोटल प्रॉफिट विल बी एटी थाउजेंड ये इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पर किया है नाउ ये टू ट्वेंटी प्लस एटी इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो दो लाख बीस हजार और ये अस्सी हजार टोटल तीन लाख का प्रॉफिट था यहाँ पर वन ट्वेंटी और एटी विल बी थ्री लैख तीन लाख ही डिवाइड किया बट तीन लाख डिवाइड करते वक्त उसकी डेट बेस इंफॉर्मेशन को कंसिडर किया टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड और ये सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड से ट्वेंटी और बाकी ये प्रॉफिट का जो है वो बाइफर्केशन किया तो टोटल एटी थाउजेंड रुपीज़ जो है वो डिवाइड करेंगे बिटवीन एच लिमिटेड और माइनॉरिटी के बीच में तो एच लिमिटेड और माइनॉरिटी के बीच में एटी इंटू थ्री बाई फोर और एटी इंटू वन बाई फोर ये डिवीज़न यहाँ पर किया तो सिक्सटी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ का ये डिवीज़न यहाँ पर आया तो ये डिवीज़न कर लेने के बाद ये वन सिक्सटी फाइव कैपिटल प्रॉफिट में शेयर है एच का एटी थाउजेंड रेवन्यू प्रॉफिट में शेयर है एच का माइनॉरिटी का फिफ्टी फाइव और ट्वेंटी थाउजेंड है और नेक्स्ट वर्किंग नोट विल बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट हजार नंबर ऑफ शेयर्स है एस लिमिटेड एस लिमिटेड में एट रुपी हंड्रेड इच माइनॉरिटी के देन ये वन लैख रुपीज होगा थाउजेंड इंटू हंड्रेड यहाँ पर ये रेशो में है हमारे पास माइनॉरिटी के हज़ार शेयर्स हैं के पास तीन हजार शेयर्स हैं जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पर एक लाख जो है वो यहाँ आ गया बाकी रिमाइंडर जो है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा में ऐड करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ये वाला 55 माइनॉरिटी का और 20,000 ऐड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ये 20,000 थाउजेंड का तो टोटल जो है वो वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ का ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेने के बाद नेक्स्ट आज की जो वर्किंग नोट है वो इंपॉर्टेंट है दैट विल बी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड जो है वो हैं तो शेयर ऑफ फोर लाख एटी थाउजेंड एक्वायर किया ये जो शेयर है चार लाख अस्सी हजार रुपए के इसमें एड करेंगे ये शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ये जो सॉरी इसमें से लेस करेंगे इसकी फेस वैल्यू तो ये लेस करेंगे तीन हजार शेयर हमारे पास होल्डिंग के पास कितने शेयर्स हैं एच लिमिटेड के पास तीन हजार शेयर है फेस वैल्यू इसमें से लेस करते हैं तो ये फेस वैल्यू तीन लाख रुपए लेस करने के बाद बचा है वन लैख एटी थाउजेंड रुपये ये डेबिट बैलेंस है चार लाख अस्सी हजार डेबिट बैलेंस इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट बैलेंस ये कैपिटल तीन लाख क्रेडिट बैलेंस इसमें से लेस किया तो ये डेबिट बैलेंस बचा है एक अस्सी का एक्चुअली ये लॉस ही है बट ये लॉस लेस हो जाएगा इस कैपिटल प्रॉफिट से होल्डिंग का शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 165 ये इसमें से लेस करेंगे तो शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट इसमें से लेस करने के बाद 165 रिमाइंडर बच रहा है फिफ्टीन ये जो 15,000 है ये बेसिकली गुडविल है नो no डाउट अभी तक हम यहीं तक कैलकुलेट करते थे और उसको ही गुडविल कहते थे बट आज बैलेंस शीट में एसेट साइड दोनों कंपनीज का गुडविल दिख रहा है एटी एंड सिक्सटी अभी ये गुडविल अलग वो गुडविल अलग इस तरह से ना कर ये दोनों एटी और सिक्सटी ये जो गुडविल है वो तो इसी गुडविल में एड कर देंगे तो गुडविल एज पर बैलेंस शीट गुडविल एज पर बैलेंस शीट ये दोनों का कर लेंगे तो एटी प्लस थाउजेंड रुपीज का ये goodwill इसमें ऐड करेंगे तो 15, plus 140, total will be 155 का ये गुडविल कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ये गुडविल कैलकुलेट किया वन लैख्टी फाइव थाउजेंड रुपीज तो इस तरह से आज के वर्किंग नोट में ये जो कुछ नया था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट सही से करना रेवेन्यू का डिवीजन और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट किया आज की जो नई वर्किंग नोट है दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है यहाँ पर पहले जो उसने सेंटेंस दिया वो एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड यहाँ पर दिया हुआ है इसने उसने स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपी सिक्सटीन थाउजेंड सोलह हजार रुपये का ऐसा गुड्स है जो उसने दिया हुआ है जो उसने खरीदा है या सप्लाइड बाय एच जो एच ने सप्लाई किया था पच्चीस टका ऑन कॉस्ट तो अब यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि होल्डिंग के स्टॉक में है या सब्सिडरी के स्टॉक में है मेनली वो प्रॉफिट हमको एलिमिनेट करना है क्योंकि हम दोनों के स्टॉक को एक मान रहे हैं अब वो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस ये फार्मूला है कॉस्ट अभी यहाँ पर ट्वेंटी हंड्रेड तो ट्वेंटी ऑन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट अगर सौ हो तो प्रॉफिट विल बी पच्चीस इस तरह से अगर ये है कॉस्ट विल बी हंड्रेड प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस भी ट्वेंटी फाइव 100 प्लस ट्वेंटी फाइव विल बी वन ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अब ये जो सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट ये जो सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ है ये हमारी सेलिंग प्राइस है ये इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ये सेलिंग प्राइस है वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है हमारे पास कॉस्ट नहीं है सेलिंग प्राइस है और हमको ये प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करना है मेनली तो ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से बनेगी कि अगर ये वन जो है इक्वल्स टू सिक्सटीन है तो वन ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू सिक्सटीन थाउजेंड देन

इस थर्टी टू में होल्डिंग और माइनॉरिटी दोनों का शेयर है और ये एज्यूम किया जाता है ये माना जाता है कि माइनॉरिटी का जो हिस्सा है इसमें इस बत्तीस इस सौ रुपये में वो उनको रियलाइज हो चुका अभी हम सिर्फ यहाँ पर होल्डिंग का शेयर यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो एच लिमिटेड शेयर इन थर्टी टू हंड्रेड विल बी थ्री फोर्थ ये जो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें इसका कितना है थ्री फोर्थ है यही वाला तो इसी रेशियो से इसको यहाँ पर लेंगे और जो वैल्यू यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेट हुई है वो है ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपये अब ये जो ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज है ये हम दो जगह से एलिमिनेट करेंगे ये प्रॉफिट पार्ट है तो प्रॉफिट से एलिमिनेट करेंगे होल्डिंग के टोटल प्रॉफिट जो होल्डिंग अभी रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू उसमें से एलिमिनेट करेंगे और जो रिमाइंडर है वो जो रिमाइंडर है वो स्टॉक से भी कम करेंगे तो इसके दो इफेक्ट देंगे एक प्रॉफिट से कम करेंगे और एक स्टॉक से कम करेंगे अब ये जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कैलकुलेशन है यहाँ पर अभी ये इंपॉर्टेंट है इसमें भी ये कंसिडर हम करेंगे होल्डिंग का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है टू लैख एटी ये एच लिमिटेड एच लिमिटेड का, है, तो ये का में करेंगे, करेंगे तो शेयर इन रेवेन्यू शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट थाउजेंड टोटल विल बी थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड और इसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्वेंटी फोर हंड्रेड यहाँ पर हमको फिर बैलेंस शीट में उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज इसमें से लेस करने के बाद नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस विल बी थ्री लैख थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये वर्किंग नोट नंबर सेवन बस ये मैक्स वर्किंग नोट्स है तो इतना वर्किंग नोट कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास एक बैलेंस शीट रेडी है एच लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च का थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन का ही था उसी डेट का हम ये बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं वर्किंग नोट्स आगे चलकर हम रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले ये गुडविल जो हमने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पर वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ कास्ट ऑफ कंट्रोल दैट इज गुडविल नेट जो वर्किंग हमारी आई है गुडविल की 155 ये वन फिफ्टी फाइव ये यहाँ पर पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर फाइव है ये गुडविल का वन फिफ्टी फाइव रिकॉर्ड किया अब सिंपल एसेट्स को एडअप करते जाना है लेन बिल्डिंग टू और टू लैख रुपीज़ है ये लेन बिल्डिंग एच का और एस का वैल्यू विल बी टू फिफ्टी एंड टू लैख फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ नेक्स्ट एसेट है लेन एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी फोर लैख एंड टू ट्वेंटी तो एंड मशीनरी एच का और एस का एच का फोर लैख टू ट्वेंटी सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ ये एड किया प्लांट एंड मशीनरी नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर है सेवेंटी और ट्वेंटी का तो फर्नीचर एच का और एस का सेवेंटी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज देन टोटल विल बी यहाँ पर जो रिकॉर्ड करेंगे वो नाइन्टी थाउजेंड रुपीज तो ये नाइन्टी थाउजेंड रुपीज ये दोनों का एडिशन है नेक्स्ट विल बी स्टॉक है ये स्टॉक का जो वर्किंग नोट है ये अब मेनली हमारे लिए आज का वर्किंग नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमको वो अनरियलाइज प्रॉफिट को कंसिडर करना है एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का एच का स्टॉक दो लाख एच का पर इससे स्टॉक लिया टू लैख और 1 ,00, तो ये स्टॉक की टोटल है ट्री लैख एटी थाउजेंड इनर कॉलम रिकॉर्ड की देखो ये अनरियलाइज का एक इफेक्ट ये प्रॉफिट से लेस किया क्रेडिट से लेस किया ये डेबिट इफेक्ट यहाँ पर दे दिया ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज का और ये डेबिट बैलेंसेस है इससे लेस कर रहा हूं ये क्रेडिट इफेक्ट दे रहा हूँ रियलाइज प्रॉफिट 2400 देन नेट स्टॉक विल बी थ्री लैक सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज का ये नेट स्टॉक यहां पर रिकॉर्ड किया तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट के दो ट्रीटमेंट्स एक तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से लेस करना और दूसरा ये स्टॉक से लेस करना इस तरह से ये अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट दिया नेक्स्ट जो है वो डेटर्स है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड वैल्यू विल बी सिक्सटी थाउजेंड एंड वन लैख नाइन्टी थाउजेंड डेटर्स है सिक्सटी एंड वन आज इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है नेट टोटल सिर्फ आउटर लेनी है टू फिफ्टी सेम कैश बैंक नो एडजस्टमेंट वन ट्वेंटी फिफ्टी का तो कैश बैंक वैल्यू विल बी एच और एस का वन ट्वेंटी और फिफ्टी का टोटल विल बी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड ये रिकॉर्ड किया कैश बैलेंस दोनों का नाउ लाइब्रेरी साइड से स्टार्ट करते हैं सो लाइब्रेरी में सबसे पहले शेयर कैपिटल शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच है दस लाख रुपए का ये होल्डिंग का शेयर कैपिटल रिकॉर्ड किया ये चार लाख तो डिवाइड हो गया एक लाख जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में गया और तीन लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गया तो ये चार लाख इस तरह से डिवाइड हो गया ये जो तीन लाख का प्रॉफिट था कुछ पार्ट कैपिटल कुछ पार्ट रेवेन्यू हमने कंसिडर कर लिया सिर्फ ये जो जनरल रिजर्व है होल्डिंग का वो एज इट इज दिखेगा इसके बाद जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी एज इट इज वैल्यू है टू लाख रुपीज का उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज एटी थाउजेंड रुपीज टू लाख एटी थाउजेंड का ये यहां पर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये नेट वर्किंग नोट थ्री लैख थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज का ये प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नोट नंबर सेवन जो है यहां पर अभी का नेट बैलेंस थ्री लैख थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज ये रिकॉर्ड किया उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बिल्स पेबल ऑफ एस एक ही का बिल पेबल दिया है सिर्फ यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एस लिमिटेड का वैल्यू विल बी एटी थाउजेंड रुपीज बिल्स पेबल रिकॉर्ड किया बिल्स पेबल के बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स दोनों का एच का और एस का ये क्रेडिटर्स वैल्यू है 180 और ये क्रेडिटर वैल्यू नेट आउटर विल बी थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ये क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए यहां पर थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का क्रेडिटर्स के बाद एक सबसे मेन जो वर्किंग नोट हमारी थी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ये वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ यहाँ रिकॉर्ड करना नहीं भूलना ये वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड वर्किंग नोट नंबर फोर से यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया और अब ये बैलेंस शीट की अगर बैलेंसिंग करते हैं तो ये Kelly है टू लैख एलेवन थाउजेंड ट्वेंटी वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो ट्वेंटी वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से ये हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है ये रेडी है आज के प्रॉब्लम में बहुत सारे नए कंटेंट्स थे में कैपिटल uh, रेवेन्यू का जो बाइफरकेशन था वो काफी अच्छा था जो मैंने कर कर बताया डेट बेस बाइफरकेशन बहुत अच्छा था तो सिंपल कैलकुलेशन था डेट बेस्ड बाइफरकेशन कैपिटल रेवेन्यू का काफी क्लियर ने किया उसके बाद एक नई वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी आज का इंपॉर्टेंट था बैलेंस शीट में गुडविल था तो उसको कैसे ट्रीट करना ये मेनली आज देखा अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस तरह से करना ये देखा कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में अनरियलाइज प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करना स्टॉक में कैसे ट्रीट करना और वर्किंग नोट्स के जो बैलेंसेस है बराबर से ये गुडविल है माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ये प्रॉपरली रिकॉर्ड करना इस तरह से आज का ये एग्जाम्पल कम्प्लीट किया थैंक्स फॉर वॉचिंग